पोरसा कस्बे की राजोधा चौकी में पदस्थ एएसआई की शिकायत लेकर एक युवक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचा है। उक्त युवक ने आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि राजोधा चौकी के सामने से अवैध चंबल की रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली निकलती है और उनके द्वारा अवैध वसूली की जाती है। चौकी में कई बाहर के लोग आते हैं और शराब पिलाई जाती है। इस पर एएसआई शिरेंद्र सिंह चौहान ने सफाई देते हुए बताया कि शिकायतकर्ता का भाई डायल 100 पर नौकरी करता था और उसके द्वारा अवैध वसूली की जाती थी। इसके परिणाम स्वरूप उसके भाई को डायल 100 से हटा दिया गया था और इसी के चलते इन लोगों के द्वारा मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच कर शिकायत की जा रही है। वही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद सिंह ठाकुर ने आवेदन की जाँच कर कार्रवाई की बात कही है। नारायण सिंह तोमर, रजौदा, भिखारीपुरा। एसपी साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ये जो एसआई हैं शैलेंद्र सिंह चौहान जी के अनावश्यक रूप से परेशान करते हैं लोगों को। अवैध रेत चल रहा है, जैसे कोई कार्रवाई करवाने जाए, रिपोर्ट दर्ज करवाने जाए तो उससे पैसा मांगते हैं और ना देने पर उसे झूठा आश्वासन दे देते हैं कि करेंगे, और वसूली पे अवैध ध्यान ज़्यादा देते हैं। कुछ भी हो मतलब रेत की वसूली करते हैं, जुआ शराब वगैरह भी बिच रही है वेद, ऐसे ही जुआरी और संबंध है, दारू आदि संबंध है, और चौकी में बैठ के दारू पीते हैं और मीट मदर खाते हैं। बाहर के लोग भी आते हैं जो गांव दे आते हैं, साथ बैठ के खाते हैं। हमारे पास रेत की वीडियो है, ट्रैक्टर उनके सामने से निकला है और वो खड़े होकर निकलवा रहा है चौकी के सामने से गेस्ट। हाँ, वसूली का वीडियो नहीं है, मैं दे दूंगा चाहूंगा तो, क्योंकि ये पकड़े जाते हैं हमारे खेतों पे जाके वसूली करते हैं, मैंने कई बार देखा है पर मैंने ऐसे अभी वीडियो बनाया नहीं। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।